जिसकी दृष्टि केवल संसार में है वो संसार को नहीं समझ पाता, इन संबंधों को, इन वस्तुओं को, इन पदार्थों को, इन रहस्यों को वो नहीं जान पाता, क्योंकि वो मूल से ही अलग है। सृष्टि किसकी है? संसार के संबंध किसके कारण से हैं? जिन संबंधों में हमारी गहन आसक्ति है, अनुकूलता प्रतिकूलता, जिसका अनुभव हो रहा है, हर क्षण जो बदल रहा है, संसार के जो भी विषय हैं वो कैसे परिवर्तनशील हैं और बदल रहे हैं। हमारे शरीर के परमाणु बदल रहे हैं और हर पर बदलते जा रहे हैं। जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह अपने कारण में चला जा रहा है। तो मूल में एक सकल असकंभ है, सर्वाधार है, जीवन का आधार है, संबंधों का आधार है, सयुजा सखाया मित्र है हमारा, क्योंकि चेतना है हमारी, चेतना सीमित वो असीमित है, असीमित में भी है, अणु में भी है, अणु से भी अणु है और विभू से भी विभू, व्यापक से भी व्यापक, क्योंकि सर्वव्यापक है, आत्मा में भी आए, सूक्ष्म है उससे, और उससे परे भी। तो क्या कहा इन्होंने? कहा कि मैं बंधन का अनुभव कहां कर रहा हूं, मैं तो खूब खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सो रहा हूँ, संसार के भोगों में हूँ, जो भी कार्य है, घर परिवार के लिए उपयोगी उन कार्यों को कर लेता हूँ, मैं तो बंधन का अनुभव नहीं करता। आप क्या कहते हैं कि बंधन है? किसका बंधन? मैं बंधन का कोई अनुभव नहीं कर रहा। योग कर्म सुकौशलम, कर्म की कुशलता योग है, कर्म में कुशल हूं। तो कर्म योग की भूमि क्या है? योगी कौन होता है? क्या अर्थ की उन्नति कर लेने मात्र से और काम का सेवन? सांसारिक कार्यों को कर लेने मात्र से योग की किस भूमि में स्थिति हो जाती है? ये कर्म की कैसी कुशलता है जो हमें योग में स्थित कर रही है? कर्म की कुशलता का अर्थ क्या है? कर्मों में योग ही कुशलता है। कर्म की कुशलता का क्या तात्पर्य है?
कर्मों में योग ही कुशलता है। किस प्रकार हमारा जो कर्म है वह आसक्ति रहित है और बंधन से परे हो गया वो कर्म। तब वह योग में स्थित है। कोई किसी कर्म में कुशल हो जाए अच्छे बुरे काम में और कहे कि मैं तो अपने कर्म में कुशल हूं, योग कर्म सुकौशलम, कर्म कुशलता योग है, मैं योगी हूं। कर्मों में योग ही कुशलता है। कर्म का ऐसा आधार जब वह बंधन उपस्थित नहीं कर रहा है, आसक्ति नहीं है, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं कुशल हैं। कुशलता तो किसी भी काम में हासिल कर ली जाती है, अच्छे बुरे काम में, धर्म अधर्म में, पाप पुण्य में। कुशल तो खिलाड़ी तो कितने हैं, कुशलता तो कई कार्यों में हासिल की जा सकती है। कौन सा योग घटित हो रहा है इसमें? अर्थ और काम के सेवन मात्र को योग से जोड़ देना, ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं बल्कि मिथ्या ज्ञान। तो सदैव यह स्थिरता होनी चाहिए कि जो वस्तु जैसी हो उसको हम वैसा ही जाने समझे। किसी भी कर्म में कोई कुशल हो जाए तो योग नहीं सिद्ध होता वहां। अच्छे कर्म में भी कुशल हो जाए तो योग नहीं है वहां, क्योंकि बहुत बार कामनाएं भी रहती हैं अच्छे कर्म के पीछे। कामनाओं के वशीभूत भी, लोभ के वशीभूत भी अच्छे कर्म श्रेष्ठ कर्म होते हैं। शुभ कर्म हो जाते हैं, श्रेष्ठ कर्म हो जाते हैं, कामनाओं के भी वशीभूत, लोभ जिसे कहते हैं, लोभ के भी वशीभूत। लोभ है विकार, क्योंकि उसमें आसक्ति छिपी है ना। ये कौन सा योग घटित हो रहा है वहां? हम ऐसा करेंगे, इस प्रकार के कर्म का हम संपादन करेंगे तब हमको ऐसा मिलेगा। भले चलो अच्छे कर्म का हम संपादन कर रहे हो लेकिन उसमें हमारी आसक्ति जुड़ गई तब तो उसमें जैसे बंधन हो गया, वो बंधन दे रहा है। बेड़ी चाहे लोहे की हो, बेड़ी चाहे सोने की हो, वो बंधन का कारण बनती है। शुभ कर्मों का भी अहंकार ना हो, श्रेष्ठ कर्मों का भी अहंकार न हो, आसक्ति रहित हो, मैं अध्यात्म का कैसे विरोधी भाव है ये। इदन्न ममा, हम क्या बोलते हैं यज्ञ हवन में? अग्निदेव को समर्पित करते आहुति। अग्निदेव को यज्ञ रूप परमात्मा है। हे प्रभु आपका है, आपका है प्रभु।
इदम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदं न मम, इदम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय इदं न मम, इदम प्रजापतये स्वाहा, इदम प्रजापतये इदं न मम, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, शरीर ही मेरा नहीं है, ये तो बंधन का कारण है, मिला है, मेरा थोड़ी है, मन मेरा है, मिला है, घुमा रहा है, मेरा मेरा कहो तो घुमा रहा है, कितना जन्म से घुमा रहा है, किन किन योनियों में घुमा ले गया, कहाँ कहाँ घुमा रहा है, कौन कौन शरीरों में घुमा रहा है, मेरा मेरा घुमाओ तो, घुमाओ घुमाओ भाई, घूमो घूमो, कैसे कैसे शरीरों में ले जा रहा, मैं घुमा रहा है, हम हमार अभिमान में भूल पड़े सब जी। सदुरदेव की वाणी कहती है, मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नास, यह शरीर मरी मरी गया कर माया मन नास। इदं न मम, मेरा नहीं है, इदं न मम, मेरा नहीं है, क्योंकि मैं इतना पहुंच बना लिया है, मैंने इतनी पकड़ बना ली है, इतनी पहुंच बना ली है, आत्म विस्मृत हो गया ना, अहंकार अंधकार इतना कोहरा छा गया है, मेरा नहीं है, मिला है, मिला है, है नहीं, दिया है, मेरा है नहीं, मैं भिन्न हूं इससे, स्वरूप भिन्न है, मेरा नहीं है, इससे भिन्न है, शरीर मेरा है तो रहे ना शाश्वत, जब मेरा है तो क्यों नष्ट हो जाता है, तो मेरा है नष्ट नहीं होना चाहिए, तो नष्ट क्यों होता है, संसार के विषय मेरे हैं तो विषय नष्ट क्यों हो जाते हैं, इन विषयों से पूर्ण सुख की अनुभूति हो जानी चाहिए, मन तृप्त हो जाए संसार के बगैर तो ठीक है, तब काम खत्म, जरूरत ही क्या है फिर, मन तृप्त हो जाए, हुआ है तृप्त, और मिले, और कुछ प्राप्त हो, और ग्रहण कर लें, कुछ हो जाए, कुछ घटित हो, कुछ मिले, कुछ प्राप्त हो, भटक रहा है जैसे वन में मृग भटक रहा है ना, इस पेड़ से उस पेड़, इस डाली से इधर से खुशबू आ रही है क्या, मन भटका रहा है, भटकते जा रहे, मेरा है, मेरा है, मेरा है, यहाँ है, वहां है, इधर है, उधर है, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, इदं न मम, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, सब कुछ ईश्वर का है, सृष्टि ही ईश्वर की है, जो कुछ भी प्राप्त है उसका त्याग पूर्वक भोग, भोग तो करना है, तेन त्यक तेन भुंती था, ऋषियों ने क्या जबरदस्त कहा, देखो कमाल का मामला, भोगो, कैसे भोगोगे, त्याग पूर्वक भोगो, हाँ भोगो और त्याग एक साथ दोनों, शरीर भोग का ही आयतन है, कर्म है, फल है, भोग है, सुसुप्ति में
श्वास प्रश्वास का क्रम चल रहा है। आसक्ति ना हो, आसक्ति ना हो, योग की उस स्थिति में दृढ़ हो जाए साधक, उसकी चेतना ऊपर उठने लगे शरीर से, संसार से, इन भोगों से, है शरीर में, इससे भिन्न हो जाए। संसार में है, संसार उसमें नहीं। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति में पहुंच जाए, देखो कितनी आनंद और कितनी मस्ती में झूम रहा है। क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश में जैसे सब वस्तुएं प्रत्यक्ष हैं, योगी के अंतर के प्रकाश में संसार के समस्त विषय प्रत्यक्ष हैं, वो देख लेता है। ऐसी आंखें उसके पास, बसंत ज्ञान चक्षु सहा, देख लिया, ऐसी आंखें हैं उसके पास देखने की, सब कुछ सारा। और अंतर में स्थिति है उसकी, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। तो यज्ञ प्रतीक मात्र है, ये भौतिक कर्म कांड प्रतीक मात्र है, वो अंतर में स्थित करने के लिए आध्यात्मिक यज्ञ। ये त्रिवेणी है, जो भोगों में गहन आसक्त है, संसार के विषयों में, इसी चिंतन में गहन आसक्त है, तो उसके लिए बंधन क्या, मुक्ति क्या, वो तो ऐसे ही मुक्त है, इसका काम है खत्म है। वो क्या मुक्ति है, बंधन तो कह ही रहा है कि आप कोई बंधन महसूस ही नहीं कर, जाओ तब तुम्हारा ऐसे ही काम खत्म। तो कह ही रहा है ना कि हमका कुछ समझ, हमका तो कोई बंधन नहीं लग रहा है, उसे ही योग में प्रतिष्ठित है, अर्थ और काम के सेवन को योग से स्थिति में पहुंच गया है। उसको तो सत्संग भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि प्रकृति के तीन गुण हैं सत्व रज और तम, और जब जिस गुण की अधिकता होती है चित्त में, वैसा विचार भाव भी उत्पन्न होता है। प्रकृति इतनी शक्तियों वाली है, तमस बढ़ जाएगा तब कोई प्रकाश का पथ नहीं, इतना अंधेरा छाएगा। तमस का काम यही है, सत्व न्यून से न्यून हो जाएगा। श्रेष्ठ अंतःकरण, शुद्ध अंतःकरण, सौभाग्यशाली आत्माओं को इस पथ को और निरंतर गतिमान रखने का सौभाग्य मिलता है। तो कुछ पथ पर चढ़ चुका है, आगे जा चुका है, और आगे का प्रकाश मार्ग मिलता है, क्रमशः हमारी शक्तियों का विकास होता है।